हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रिताज कुकिंग हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और ड्रमस्टिक की सुरसों वाली रेसिपी। इसके लिए हमको चाहिए 300 ग्राम ड्रमस्टिक। इसी तरह छिलका निकाल के ले लिया और 5 मीडियम साइज आलू। अब ग्राइंड करने के लिए 10 कलियाँ लहसुन, 2 स्पून नारियल, 2 ग्रीन चिल्ली, 2 स्पून मस्टर्ड सीड्स के साथ 1 स्पून जीरा और 2 स्पून पानी डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। अब ये स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालना है 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें डालना है 8-10 बड़ी। बड़ी को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। ये अब फ्राई हो चुका है, अब उसको निकाल देंगे। सेम कढ़ाई में 1 स्पून तेल डालना है। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें डालना है 1 स्पून पंचफूरन के साथ 2 लाल मिर्चा। ये जब तड़कने लगेगा इसमें डालना है 2 कटा हुआ प्याज। प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। ये अब फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालना है ड्रमस्टिक और आलू। आधा स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून नमक डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अब ये 2 मिनट हो चुका है, अब इसमें डालना है ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। डाल के फिर 2 मिनट के लिए चला देंगे। बाद में इसमें डालना है आधा स्पून लाल मिर्चा का पाउडर। डाल के फिर 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालना है 1 कप पानी। ये ग्राइंड जार धो के मैंने दे दिया है। अब इसमें डालना है 1 ड्राई मैंगो। डाल के फिर अच्छी तरह से मिला के पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये 10 मिनट हो चुका है, अब उसको देखते हैं। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये इसमें डालना है फ्राई किया हुआ बड़ी। बड़ी को डाल के फिर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे लीड देके। अब उसको रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हो। अब ये 2 मिनट हो चुका है, अब आलू भी पक चुका है, अब सर्व कर देंगे। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूंगी। ओके, बाय।